इसे क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, होमवर्क कर रहे हो? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। अभी बज रहे सुबह के 9, सभी का गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठते एक प्रॉब्लम हो गई। मैं नहाने के लिए जैसे गया, टंकी में पानी खत्म हो गया, मुझे आज ठंडे पानी से नहाना पड़ा। बहुत सर्दी है, कल रात को बारिश भी हुई थी, अभी बहुत सर्दी पड़ रही है। मैं ठंडे पानी से नहा के आया हूँ क्योंकि पानी, टंकी का पानी खत्म हो गया था इसलिए। इसे क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, होमवर्क कर रहे हो? ठीक है। तो फिलहाल गाइस शाम हो चुकी है, ये हमारे छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और अब हम जाएंगे वहाँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम करके दिखा दूँ। हम जाएंगे यहाँ, ये है दादू दयाल जी की छतरी, काफ़ी पुरानी है और ये सांबर झील के बीच में है। तो अभी वहाँ जाएंगे, तो चलते हैं वहाँ। हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर, तो हम पैदल तो जाएंगे नहीं इतनी दूर, हम लेके जाएंगे बाइक। आपको बीच का दृश्य भी दिखाएंगे और झील के जहाँ से हम जाते हैं वो दृश्य भी दिखाएंगे आपको। तो फिर रेडी है, चलते हैं अपन। तो फिलहाल ये वाली बाइक लेके जाएंगे, वो वाली बाइक भैया लेके गया हुआ है अपाची, तो फिलहाल हम यही लेके जाएंगे अभी। तो देखो बकरी आ गई है स्कूल से, ये सुबह जाती है और अभी शाम को आ गई है, ये सभी अपने घर जाए। ऐसे लग रहा है कोई गांव में आ गया हूँ। दिस इज नेचुरल वाइब। ये इस ट्रैक से हम जाएंगे दादूयाल जी की छतरी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो कि है वोरी। अब हम जाएंगे इस ट्रैक पे, इस ट्रैक से ठेठ बाइक जाती है वहाँ पे, तो हम जाएंगे बाइक से। ये आ गए हम मंदिर में, ये है दादू दयाल जी की छतरी, ये है गुम्बज और ये है दादू दयाल जी के पगले, ये काफ़ी पुराने हैं। आप ये देख सकते हो आप नज़ारा, ये यहाँ पे पूरी जगह पानी भरा हुआ है, इसे क्यार कहते हैं। इस क्यार से ये पानी भर के इसमें से नमक निकालते हैं। शायद अभी नमक नहीं निकल रहा है, अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये जो वाइट वाइट आ रहा है वो एक्चुअली में नमक ही बनने की प्रोसेस में है। काफ़ी पुरानी है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और ये है झील के बीच में, मैं आपको चारों मेर से अगर दिखाऊं चारों तरफ से, तो ये आप देख लो, ये ट्रेन की पटरी है। जैसे ही इनमें से नमक निकल जाता है तो ट्रेन आ जाती है और इसमें डाल के वो फैक्ट्री में ले जाते हैं। तो ये देख लो, फिलहाल पूरी चारों ओर से है पानी पानी है। फिलहाल फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।